Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Students, we are doing chapter number 7, Possession of your book. Aapki book mein chapter 7 hai, Possession. Theek hai? That is on page number 21. So everyone, get ready with your books and we'll start the video. Dekho. चैप्टर 7 कर रहे हैं हम पोजेशन. सबसे पहली बात कि पोजेशन होता क्या है. पोजेशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी है, like, ये जो टेबल है वो किसका है, आपको देख के किसका लग रहा है, ये टीचर का. ठीक है, सो यू विल राइट दिस इज टीचर्स टेबल, दिस इज गर्ल्स वाटर बॉटल. ये लड़की की वाटर बॉटल है ना, तो गर्ल्स वाटर बॉटल. तो आपको जब मैं बोला टीचर्स टेबल, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि टीचर का टेबल है ये. ठीक है, आपको अपने आप पता लग गया ना टीचर्स वर्ड यूज़ करते ही कि ये पोजेशन किसकी है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, इस टेबल का मालिक कौन है, टीचर है. ठीक है, तो पोजेशन इज़ बेसिकली सेंटेंसेस में हम एक अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ऐसा कॉमा लगा के एस, विच शोज द noun that belongs to the person. ठीक है, तो sentences में we used an apostrophe with the nouns followed by s, s के साथ, to show that the particularly belong to that person, वो किस particularly उसी person से belong करते हैं. ठीक है, so possession में हम हमेशा apostrophe use करते हैं, जो comma और s होता है ना, कॉमा और एस, ये यूज करते हैं. ठीक है, एंड इफ इट इज प्लूरल नाउन, देखो सिंगुलर नाउन में तो हम नाउन होगा बॉय और कॉमा लगा के एस लगा देंगे, बट इफ इट इज अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन तो खुद ही एस से एंड होता है, प्लूरल नाउन तो एस से एंड होता है ना, देन विल यूज अपोस्ट्रोफी मींस कॉमा आफ्टर द एस, लाइक The wings of the birds were golden. Then the birds' wings were golden. तो birds पहले से ही proper plural noun था, तो हमने comma लगा दिया अकेला, हम दो s नहीं लगाते एक साथ. तो जब plural noun होता है तो सिर्फ बाहर वाली side comma लग जाता है, और अगर singular noun होता है तो comma लग के हम s भी लगाते हैं. ठीक है, इसकी two exercise हैं. Rewrite these sentences by replacing the underlined group of words with an apostrophe followed by s. एंड द सेकेंड है इंसर्ट अपोस्ट्रोफी एट करेक्ट प्लेस. तो देखो आपको क्या करना है, आपको ये वाली एक्सरसाइज भी कम्प्लीट करनी है और ये वाली एक्सरसाइज भी कम्प्लीट करनी है, एंड बोथ द एक्सरसाइजेज यू विल डू इट बाई योर सेल्फ एट होम. लाइक द नेकलेस ऑफ माई मदर इज मेड ऑफ पर्ल्स, तो किसका नेकलेस है, मदर का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माई मदर्स नेकलेस इज मेड ऑफ पर्ल्स. क्या लिख सकते हैं हम, My mother's necklace is made of pearls. ठीक है, The boat of Arnab is new. The Arnab's boat is new. ऐसे ही we'll do the next parts. Apostrophe लगाना है correct place में. The boys' notebooks are on the table. तो boys जो है ना वो apostrophe के लिए रहेगा, तो comma लगा के s लगा दिया. ठीक है, ऐसे करके हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ये दो ही क्वेश्चंस हैं, और जैसे ही ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे विल्स एंड अप द चैप्टर. ठीक है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लाइव क्लास में आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. हम विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय.